तो अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम जा रहे हैं सूरज ताल, जो कि बिल्कुल फ्रोजन है। यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है, तो आपको आगे अपडेट करते हैं। रोड काफ़ी बढ़िया है। पहुँच चुके हम दारचा, और अभी जो मेरे पीछे है ये है ब्रिज, ये बोर्ड लगा है जो ब्रिज है, ये यहाँ का हिमाचल का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। और यहाँ का जो लैंडस्केप है बड़ा प्यारा है, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार लैंडस्केप है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपको एंट्री करवानी होती है गाड़ी का नंबर, और आप कितने लोग हो जा रहे हो बताना पड़ता है। और ये जो ब्रिज है ये है हिमाचल का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो अभी हम दारचा से जा रहे हैं आगे, तो करते हैं अपडेट आपको, बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए व्यू, ये लेह रूट पे आते हैं, यहाँ से हम लेह जाएंगे तो रास्ते में आता है ये देखिए। तो लैंडस्केप बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है, ठंडी हवा चल रही, इतनी ज़्यादा नहीं। कल रात को तो बहुत टेम्परेचर बहुत गिर गया था, लेकिन अभी बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं ये रोड पे जो दिख रहा है साइड में, ये कल का फ्रेश स्नोफॉल है, बिल्कुल फ्रेश। तो ये जितना भी स्नोफॉल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्रेश है, अभी कल का फ्रेश स्नोफॉल है ये, एकदम फ्रेश ताज़ा। वाओ देखो वाइट सब कुछ। सूरज ताल से हम निकल चुके हैं, और रास्ते में हमने थोड़ा सा इतना प्यारा सा एक लैंडस्केप देखा, तो सोचा कि हम गाड़ी रोक लेते हैं, तो सिर्फ फोटो सेशन के लिए हम रुके। तो देखिए अब कितना बढ़िया यहाँ पर नज़ारा है, और बहुत ही बढ़िया। आपको कन्वीनियंट होता है वैसे? आई लाइक इट। मनाली ले हाईवे सूरज ताल से आगे, और दीपक ताल के रास्ते में, और ये जो आप देख रहे हैं आर्मी के कैंप्स हैं यहाँ पर, ये VRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन VRO। इन्हीं लोगों की मेहरबानी से हम इन रोडों को टच कर पाते हैं इस मौसम में। यही लोग हैं जो इन रोडों की सफाई करते हैं जब एक्सेसिव स्नो होती है यहाँ पे। कौन सा पास पार किया है? कहीं ना लगे। और ये पासेस रोड है जहाँ पे बिना VRO की हेल्प के ट्रेवल करना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ती है, और इस रोड को इन्होंने क्लीन किया है ताकि ट्रैवल
ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके फॉर कॉमन पीपल। तो ये हमारा रोड ट्रिप हो गया अच्छा खासा, मतलब कोई प्लान करके नहीं निकले थे हम कि यहाँ तक आएंगे, और ये अच्छा खासा रोड ट्रिप हो गया हमारा। अभी हम निकल चुके थे सूरज ताल से, भागे जा रहे हैं, और ये मेरा थर्ड रोड ट्रिप है इस रोड पे। इससे पहले बाइक से था और दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो इस तरह से मेरा ये छठा राउंड है। मैंने मार दिया सिक्सर। बड़ा परेशान कर रहे हो यार तुम, लॉक खोल दो। और ये ऑफ रोड, बिना रोड का रोड ऑफ रोड। और यहाँ ऑफ रोड इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे बह जाता है रोड, यहाँ रोड बनते हैं और बह जाते हैं, क्योंकि अभी बर्फ जमी हुई है यहाँ पे और बहुत जल्दी स्पीडली मेल्ट भी हो जाएगी, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पूरा रोड आपस बह के निकल जाएगा, फिर से बनाएंगे। तो पूरा साल भर यहाँ पे BRO यही करता है, और अगर आप यहाँ पर सुरक्षित आ पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ BRO की वजह से। तो सलाम है BRO और उसके सभी काम करने वाले लोगों का। अरे जिंग जिंग बार आ गए, इंडियन ऑयल तो भी यहाँ पर पेट्रोल भी है, डीजल मिल रहा है लेकिन सर ऑयल डीजल ये भी अगर ये बर्फ काटने की मशीन। तो हम झिंगझिंग बार पहुंच गए हैं और इसके बाद से रास्ता बंद है, तो हम फिर से यहां से मनाली की ओर जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बर्फीले पहाड़ यहां पर, बहुत ही अच्छा सा एक लैंडस्केप, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ठंडा मौसम और ये चमकते हुए बर्फ के पहाड़। तो आप भी आनंद लीजिए इन खूबसूरत लैंडस्केप का और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो गैमूर को कह दिया हमने अलविदा, निकल चुके हैं गैमूर से, और मई की गर्मी में इतना अच्छा मौसम, बर्फबारी, इतना ठंडा मौसम, माइनस टेम्परेचर, बहुत किस्मत वालों को मिलता है। तो ओवरऑल ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा, कैंपिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, काफ़ी नए नए दोस्त मिले, दोस्त बने यहाँ पर। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं तीर्थन वैली, जहाँ पर कुछ दिन और मैं वहाँ पर बिताऊँगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में तीर्थन वैली की वादियों में, तब तक बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।